मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये व्यवस्था 1 जुलाई 2018 से लागू होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2018 को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए लाई गई मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 2018 को भी शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में 39 नए महाविद्यालय खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 47 नए अनुविभाग SDM कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय खोलने का कैबिनेट ने मय पदों के साथ तय किया है। इसमें कुछ ऐसे भी थे जो कलेक्टर के ओर से प्रारंभ तो कर दिए गए थे, लेकिन वो वैधानिकता उसको आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। इसमें ग्वालियर जिले के भितरवार घाटी गांव, गुना जिले का आरोन, अशोकनगर का ईसागढ़, विदिशा के नटेरन और ग्यारसपुर, सीहोर जिले का नसरुल्लागंज और इछावर, राजगढ़ जिले का सारंगपुर, खिलचीपुर और जीरापुर और ब्यावरा, आगर मालवा का सुसनेर, खरगोन का भीकनगांव, खंडवा का पंधाना, बड़वानी का राजपुर, अलीराजपुर का चंद्रशेखर, आजाद नगर भावरा, धार का बदनावर, सरदारपुर, होशंगाबाद का इटारसी, पिपरिया, सिवनी, मालवा, हरदा का खिरकिया, टिमरनी, बैतूल में शाहपुर, सागर में केसली, मालथोन, पन्ना में शाहनगर, गुन्नौर, छतरपुर में बड़ा मलहरा, कटनी में बहुरी बंद, नरसिंहपुर में गोटे गांव, सिवनी में कुरई बरघाट, बालाघाट में लांजी, रीवा में हनुमना मनगवा, सीधी में मजोली सिहावल, सतना में ओचेहरा, सिंगरौली में चितरंगी। इस तरह से ये जो जिले के अंदर अनुभाग 47 मय पदों के साथ में स्वीकृत हुए हैं। महाविद्यालय प्रदेश के अंदर आज खोलने का कैबिनेट ने निर्णय किया है। एक कर्मचारियों के हित में बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया। अभी तक क्या है कि हमारे जो अधिकारी केंद्र शासन के थे, जैसे IAS IPS, इन सबको मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में अर्जित अवकाश के अधिकतम संचयन की वर्तमान सीमा 240 दिवस को बढ़ाकर 300 दिवस किया गया है। ये हमारे कर्मचारियों को भी अधिकार है और मुख्यमंत्री जी ने आज संशोधन करते हुए 1/7/2018 से प्रभावशील किया जाने का आज तय किया है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन आकाश बरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।